मेरा फर्स्ट करवा चौथ का फास्ट है। मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी सर्दी की तैयारी करनी है। ये है मेरी प्लेट, तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे मार्केट। मुझे मेरे लिए गाउन देखने जाने थे, तो वो देखने जाते हैं। गाउन वगैरह तो हमने देख लिया है। हेलो, तो मैं बना रही हूँ खाना, जल्दी जल्दी बनाते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं। निकल गया तो मैं ना फास्ट खोल लेती हूँ, क्योंकि मैं तारे देख कर ही खोलूंगी, चांद का वेट नहीं करूंगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है 1st of November और अभी बज रहे हैं रात के 3:30। मैं इसलिए इतनी जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज मेरा फर्स्ट करवा चौथ का फास्ट है। क्योंकि आप सबको शायद पता ही है, क्योंकि हमारा रोका हो चुका है, तो फास्ट मुझे रखना है इस बार। मैं 3 बजे उठ के और नहा भी ली हूँ, और अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी सर्दी की तैयारी करनी है। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ और क्या खाने वाली हूँ, उसके बाद मेरा क्या प्लान है, क्योंकि इतनी सुबह सुबह तो मैं क्या ही करूँगी, सॉरी। तो मैं सर्दी खा के अपनी और फिर सो जाऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ और मैं क्या खाना है मुझे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ फेनिया, जो खाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूध उबल गया, इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा पिस्ता। चीनी मैं डाल चुकी हूँ, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब हम डालेंगे इसमें फेनिया। ये वाली फेनी ऐसी होती है, मैं थोड़ी सी बनाऊंगी क्योंकि मुझे अभी तो सिर्फ अकेले ही खानी है। इसको बनने में वैसे इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि बहुत सॉफ्ट सी होती है। इसको थोड़ी देर पका लेते हैं अच्छे से, उसके बाद मज़े से खाएंगे। बस ये अच्छे से बॉईल हो जाए, थोड़ा दूध और ज़्यादा थिक हो जाए, और इसके बाद हम बनाते हैं चाय, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये साथ में बन रही है मेरी चाय। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद सर्दी तो मेरी तैयार हो गई है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी प्लेट कैसी मैंने सजाई है। ये है मेरी प्लेट फैनी, और चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रूट्स में मैं एप्पल खाऊंगी, और ये है मीठी मट्टी, जो खाना ज़रूरी है। मुझे पता था कि भूख इससे तो नहीं मिटेगी, तो मैंने चाय के साथ बनाया अपने लिए एक पराठा। तो वो जल्दी से खा लेते, बहुत भूख लग रही है। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उनसे अपनी बहन को भूखा देखा नहीं गया, उसके भाई नगर के बाहर। तो अभी बज गए हैं शाम के 4, और मैं तैयार हो गई थी, पूजा मैंने कर ली है। मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, और इसके साथ मैं सिर्फ फास्ट वाले चिप्स खा लूँगी, बस इतना ही खाना है। और जो मेरी जो सर्दी आई थी मेरे इन लॉज के यहाँ से, उसमें एक गिफ्ट था, जो ये कड़े थे जो वो मेरे लिए लेके आए थे, तो मैंने ये भी पहन लिए। चाय पी के वो मुझे अभी लेने आ रहे हैं, तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे मार्केट, क्योंकि हमारी एंगेजमेंट है दिसंबर में। तो आज हम थोड़ा सा फ्री थे, हमने कहा मार्केट थोड़ी सी खाली होगी, तो मुझे मेरे लिए गाउन देखने जाने थे, तो वो देखने जाते हैं। मेरे घर के बिल्कुल पास में गांधी मार्केट है सागरपुर में, जो है उसमें कुछ है, मतलब कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे अच्छा सामान मिलता है। तो हमने सोचा पहले यहीं देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छा लगता है तो ले लेंगे। तो मार्केट चलते हैं, लेते हैं, मैं मिलवाती हूँ उनसे आपको, आने वाले हो, बस चलते हैं। तो हम आए अभी गांधी मार्केट है सागरपुर, मेरे घर के बहुत पास। तो दिसंबर में है हमारी इंगेजमेंट, तो मैं उसके लिए गाउन देखने के लिए आई हूँ। तो हमने सोचा कि मतलब आज इतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो सबसे पहले यहीं आ जाते हैं, देख लेते हैं कि कुछ मिलता है। तो मार्केट हम आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अगर किसी शॉप में जाती हूँ तो। मिलते हैं फिर। गाउन वगैरह तो हमने देख लिया है। हेलो, बड़ी देर बाद गाउन वगैरह हमने देख लिया, बट वो ये कि वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था,
और मुझे पसंद आ गया है, बट कल हम आएंगे मम्मी के साथ और मेरा गाउन फाइनल कर देंगे। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हम तो भाई वही है, ड्राइवर की तरह बाइक चला रहे हैं, घुमा रहे हैं इसको। मेरा तो भाई देखा भी नहीं अभी तक ढंग से कहीं पे, इसका तो ले पहले, मेरा तो ले लेंगे। पहले मैं लूंगी, फिर मैं अपनी पसंद का इन दिलाऊंगी, सेम मैचिंग कलर करवाऊंगी। ये सब जबरदस्ती हो रहा है मेरे साथ में, मेरे को अलग पहनना है। तो बस वो ये यार कि वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, हमारे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था तो हमने पूछा भी नहीं। क्यों बे, मतलब मैं उंगली कर ली। बट हाँ मजा आया देखने में, जब फाइनल पसंद भी आ गया। हाँ बट फाइनल करेंगे ना तब भी नहीं दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे, दिसंबर में दिखाएंगे, एंगेजमेंट में पूरी वीडियो डालेंगे ना, फिर देखना आप लोग। तो अभी जा रहे हैं मम्मी के लिए कुछ खरीद लेते हैं, क्योंकि मम्मी ने तो मुझे पूरी प्रॉपर सर्की दी थी, तो मैंने सोचा मम्मी के लिए कुछ ले लेती हूँ। तो मैंने अपनी मम्मी को कुछ नहीं दिया, मम्मी मतलब इनकी मम्मी, तो मैं मम्मी के लिए कुछ ले लेती हूँ, उसके बाद घर चलते हैं, मुझे खाना बनाना है, फिर खाना है, तो चलते हैं घर। तो मैं लेने आई थी मम्मी के लिए कड़े, क्योंकि और कुछ मुझे समझ आया नहीं और मैंने ले लिए कड़े। तो मैं बना रही हूँ खाना, पहले मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी, फिर मैं बनाऊंगी मटर पनीर, फिर मैं बनाऊंगी रोटी, फिर मैं बनाऊंगी चावल और रायता। हाँ, और फिर मैं बनाऊंगी बूंदी का रायता। हाय, वेलकम टू प्रियंकाज किचन। तो मैं बना रही हूँ ना अभी आलू की सब्जी। कैसी लग रही हूँ मैं? भूख लग रही है खाना देख के, तो अभी खा नहीं सकते ना, जल्दी जल्दी बनाते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं। तो अभी भी हम वहीं पर ही हैं जहाँ हमने छोड़ा था ना, आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं अभी। अच्छी बननी चाहिए, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ इस बार। मैंने सब्जी थोड़ी अलग तरीके से बनाई, वैसे तो मैं आलू फ्राई करके बनाती हूँ, पर मैंने सोचा उसमें बहुत ज्यादा ऑयल लगता है ना, तो आज थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ। देखने में तो अच्छी लग रही है, शक्ल दिखाओ। देखने में तो अच्छी लग रही है, खाने में भी अच्छी होनी चाहिए। जो बनेगी फिर खा के मैं बताऊंगी कैसी। इसके बाद हम बनाते हैं जल्दी से पनीर, इसको पकने के लिए रख देते हैं। ये देखो किचन ऐसे फैल जाती है, जो कभी कभी खाना बनाते हैं ना, मैं इतनी जल्दी में हूँ ना, जैसे पता नहीं क्या हो रहा, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि मैं बनाऊँ कैसे। मैं मेरे ऐसा लग रहा है मैं खाना बनाना भूल गई हूँ, बस मैं जैसा तैसा बना रही हूँ और अच्छा बनना चाहिए। तो अब मैं बना रही हूँ पनीर, ये पनीर कटा हुआ है, सारी सब्जियां मैंने ऐसे फैला के रखी हुई है डालने के लिए, जल्दी से डाल दूँ तो मैं बनाती हूँ जल्दी से। अब मैंने डाल दिया इसमें बटर, मैंने तेल के साथ बटर डाला है ताकि वो जल ना जाए, इसलिए इतना तो आता है मुझे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज, हरी मिर्च बहुत सारी, थोड़ी ज्यादा हो गई, अब डालूंगी। प्याज पक गए हैं, मैंने डाल दिया टमाटर की प्यूरी, आलू की सब्जी ऑलमोस्ट बन गई है, मटर पनीर भी बन गए हैं। और अब मैं ढूंढ रही हूँ आटा, प्याज मैंने काटे हैं रायते के लिए, टमाटर काटने, रायता बनाना है, रोटी बनानी है, तो रोटी आटा ढूंढ रही हूँ, रोटी बनाऊंगी थोड़ी देर बाद, तो मैं ढूंढ रही हूँ बचाऊ। निकल गया तो मैं ना फास्ट खोल लेती हूँ, क्योंकि मैं तारे देख कर ही खोलूंगी, चांद का वेट नहीं करूँगी, शाम तारे सामने में। अभी मैंने तारों को जल दे के और पानी पी लिया, मेरे तो सर में इतना दर्द हो रहा था, मेरे सर ही फूल गया आज तक। खाना मैंने बना लिया है, पनीर मेरी ऐसी बनी है जो देखने में सही सी लग रही है, आलू बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, रोटी और ये रायता। और अब लग रही है बहुत ज्यादा तेज भूख, मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ बाद में। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बड़ा मजा आया मुझे तो आज फास्ट रखने में, खाना खाने में। अब ये जा रहे हैं, बस सब कुछ हो ही है, आज तो मैं आया भी नहीं ज्यादा, क्योंकि मेरा था ना, इसलिए सो रहा था मैं तो सुबह ढंग आराम से।
शिफ्ट करके आया था। तो ये था कुछ ऐसा नॉर्मल डे मेरा, खाली होती हूँ तब भी यही करती हूँ, खाना बना लेती हूँ, कहीं चली जाती हूँ बस। तो मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब, बहुत सारा बहुत सारा। तब तक के लिए पीस आउट।